भाई साहब अभी मुझे कोच साहब ने बाहर से आवाज दी कि जल्दी अब बहुत गजब की चीज दिखाने वाला हूँ। सच में ही गजब की चीज है और ऐसी चीज है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। मेरे सामने है दोस्तों वहां बहुत दूर चार नीलगाय वहां पर खड़ी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये इतने खुल्लम खुल्ला मैदान में घास कैसे खा रही हैं। एक काम करते हैं, इनके पास चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं भागती हैं या फिर कोऑपरेट करती हैं थोड़ा सा। भाई मैं तो जा रहा हूँ जल्दी जल्दी से। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिन में नीलगाय मिल रही है यार, देखने के लिए कमाल हो जाएगा यार। मैं दुआ इस चीज की करता रहता हूँ हमेशा कि नीलगाय मतलब प्रेग्नेंट होती है, उसका बच्चा हो और उसका बच्चा मेरे हाथ लग जाए। मैं उसे पालना चाहता हूँ यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है नीलगाय का बच्चा। चलो इनके पास चलते हैं, आज ध्यान से देखते हैं नीलगाय आखिर होती कैसी है। डर क्यों रहा है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, बोलूंगा बहुत आराम से, क्योंकि ये जो खेत दिख रहा है ना इसके बिल्कुल पीछे हैं चार नीलगाय। वो देखें भाई, मुझे तो दिख गई हैं और जरूर उन्हें भी मैं दिख गया हूँ। आवाज तो देखो उन्हें आ गई है। अरे यार कितनी प्यारी लग रही है भाई। वो देखें, आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे लेकिन मैं बहुत ही नजदीक पहुंच चुका हूँ नीलगायों के। क्या बात है, लो भाई इन्होंने तो भागना शुरू कर दिया। ये देखें यार, इनका एक बच्चा भी, दो बच्चे हैं इनफैक्ट भाई, दो बच्चे हैं इनके। ये देखें भाई, छोटा सा बच्चा कैसे जा रहा है भाग भागा। ये भाग गई हैं। ये देखें भाई कैसे घूर रही हैं। इनमें मैं बताऊं, एक शायद ये वाला तो फादर है और वो दोनों, वो जो बीच में है वो दोनों बच्चे हैं, और इस साइड वाली शायद माँ है। नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ तो यार ये भाग जाएंगे, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं ट्राई करके। मैं जितने धीरे धीरे जाऊंगा ना, इन्हें मुझ पर उतना ही विश्वास होता चला जाएगा कि ये हमें कुछ नुकसान पहुंचाने नहीं आ रहा। और एक बात बताऊं, सारे के सारे मुझे ही देख रहे हैं। देखें भाई, जैसे ही मैं चलने लगता हूँ ना, एकदम से ये देखें, नज़र मेरी तरफ ही हो जाती है, इसलिए मैं बहुत ही आराम आराम से जा रहा हूँ, बहुत ही आराम आराम से। आज देखता हूँ मैं कितने पास जा पाता हूँ नील गायों के। यार मैं बहुत नज़दीक पहुंच चुका हूँ, जिस खेत में ये है ना मैं उस खेत के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूँ। यार मेरा बस ऐसा मन कर रहा है कि इनका कोई सा बच्चा मेरे हाथ आ जाए। दो बच्चे हैं, अगर एक भी हाथ आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और भाई इस तार के नीचे से निकल कर चलते हैं। मैं बहुत ही धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये, अरे भाई भागने लग गई। तो एक बात बताऊँ, ये पता इस साइड क्यों नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि जिस तरह की तार बंदी यहाँ पर हो रही है उस साइड भी हो रखी है, तो ये उस साइड नहीं निकल पा रहे। तो अब बहुत ही धीरे धीरे से मैं इसके अंदर जाता हूँ। ये चेक करें भाई, नीलगाय का पूरा परिवार है यहाँ पर। ओह क्या बात है, लो भाई ईख में चले गए। और ये लास्ट बची थी मादीन, और ये भी, ये शायद फंस गई है। अरे भाई साहब, ये भी बेचारी, वो पहुँच गई यार कूद के। शाबाश, वो उधर से बच्चे आ गए ना, उन्होंने इसको डरा दिया और ये सारे के सारे अब इस ईख में चले गए। अब तो भाई ने देखने का कोई मतलब ही नहीं है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चलो यार, नील गाय तो अब नहीं मिलेंगे देखने के लिए, वापस से कैनट पर चलते हैं। दोस्तों आज बहुत ही बुरी खबर मैं आपको सुनाने वाला हूँ। बुरी खबर ये है दोस्तों, ये जो आप केज देख रहे हैं ना, इसमें पहले दो जर्मन शेफर्ड हुआ करते थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे सिर्फ एक को। ये पता है कौन सा है? ये है मैक्स बोल रहा हूँ, ये है मार्शल। और अब आप सोच रहे होंगे कि लेक्सी कहाँ है। लेक्सी दोस्तों आपको मैंने बताया था कि कल बीमार हो गई थी, उसकी हालत थोड़ी सी खराब थी, बट फिर फायदा लग गया था, डॉक्टर को दिखाने के बाद फायदा लग चुका था। लेकिन जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है, इसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक रहती है। तो हुआ ऐसा था कि रात के 3 बजे तक वो जिंदा थी, फिर कोच साहब ने उसको अपने हाथ में ले लिया और बहुत देर उसको पुचकारने के बाद, प्यार करने के बाद कोशिश भी की हमने उसको बचाने की, लेकिन हम नाकाम रहे, यानी कि लेक्सी हमें छोड़कर जा चुकी है। लेक्सी को फिर पापा जी और कोच साहब ने यहीं पर दफन कर दिया और अब मार्शल अकेला रह गया है। ये बेचारा बहुत ज्यादा उदास है, जब से लेक्सी गई है ना, ये ना तो कुछ खा रहा है ना पी रहा है, बस ऐसे ही घूमता रहता है, मिस कर रहा है यार बहुत ज्यादा। क्या करें यार, इसे भी पता है कि मेरी एक पास पार्टनर थी और वो चली गई है। कोच साहब उसकी कोई फोटो वीडियो है लास्ट है?
दिखाना जरा। दोस्तों बुरी खबर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आना जाना लगा ही रहता है यार, जीवन हमेशा के लिए तो किसी का हो नहीं सकता ना। बट कोई बात नहीं, ये कुछ क्लिप्स हैं हमारी लेक्सी की, जब वो मरने वाली थी, मरने से कुछ टाइम पहले की भी, और जब वो मर चुकी थी उसके बाद की भी। तो ये रात 3 बजे की बात है, और सच में बहुत दुख की बात है यार, रात के 3 बजे कोई जीव हमें छोड़कर चला जाता है, कितना बुरा लगता है, नींद वींद कुछ नहीं आती है। तो बस क्या ही करें, अब चलो आप एक बार देखें और फिर वापस आएं। दोस्तों लेक्सी की आत्मा को भगवान शांति दे। और यहां मैं इसकी कसरत करवा रहा हूं राजहंस की। चल बेटा, ए चलो चलो चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बस भाई कुछ लोगों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि यार आपकी जो कट्टो नाम की वो घोड़ी थी वो आखिर गई कहां पर। दोस्तों हुआ ऐसा है कि हमारे पास एक घोड़ी हो गई थी, दूसरा घोड़ा हो चुका है, और तीसरा यहाँ पर जब वो कट्टो रहती थी ना, इन दोनों की कई बार ऐसा हुआ है कि लड़ाई बच जाती थी, क्योंकि जगह हमारे कैनल पर थोड़ी सी कम है। तो हम जितने भी घोड़े लाए जा रहे हैं ना, लाने के बाद भाई मन करता है लाने का तो ले आते हैं, पसंद आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब यहाँ आने के बाद उनको हम अच्छी तरह से उनका थियाविया बनाते हैं, वो यहाँ पर पलते हैं, तो आपस में अगर कभी कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी वजह से हमें उन्हें वापस से भेजना पड़ जाता है। तो हुआ ऐसा है कि यहाँ कई बार ऐसा हुआ था कि इन दोनों की लात बज जाती थी, उस चक्कर में कई बार तो दोनों को गहरी चोट भी आ चुकी है, पर मैं आपको दिखाता नहीं था, बस इसीलिए हमने कट्टो को यहाँ से भिजवा दिया है। अब जब हमारा न्यू फार्म बन जाएगा, न्यू फार्म की बहुत जल्दी तैयारियां शुरू होने वाली हैं। आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि नया फार्म कहाँ बन रहा है, अब नया फार्म जब बनने शुरू हो जाएगा ना, मैं तभी आपको दिखाऊंगा। तो इसीलिए जो भी हमारे घोड़े यहाँ से गए हुए हैं ना, वो सारे के सारे हम वापस ले आएंगे एक एक करके, लेकिन जब जब हमारे पास जगह होगी अच्छी खासी और हमारा नया फार्म बन जाएगा तब। Come